Hey guys, welcome back to my YouTube channel and good morning. आज सुबह के बज रहे हैं 8, मैं और लेट से थोड़ा सो के उठी हूँ क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाई थी. थोड़ा आवाज़ कम करना गाने का. तो मैं रात को सो के उठ ही नहीं पाई थी, मतलब आधी रात को मेरी नींद खुल गई थी. लगभग 1 बजे के करीब मेरी नींद खुल गई और फिर सुबह तक आई ही नहीं. तो मैं बहुत छटपट छटपट कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे बेचैनी हो रही है. बट इट्स ओके, इट वॉज नॉट पेनफुल, बस बेचैनी थी थोड़ी, इसलिए सो नहीं पा रही थी. अभी मैं उठी हूँ और मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, मैंने देखा. और सुबह मैं जो दीदी आई थी काम करने, उनको भी मैं कंपनी नहीं दे पाई, ना उन्हें गाइड कर पाई. मुझे पता ही नहीं है वो कब आई और कब चली गई. तो अभी मैं सो के उठी और मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ. आई थिंक वो पटल की सब्ज़ी बना रहे हैं या भुजिया, वट एवर, आई डोंट नो. और उसके साथ रोटी खाऊंगी. और आज का मेरा क्या प्लान है पता है? बिकॉज मैंने कल आपको बोला था, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, मतलब जब आप अच्छे दिखते हैं ना तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है. तो लगभग 2 महीने हो गए मैंने आईब्रोज नहीं किया है, क्योंकि जब से मैं बैंगलोर आई थी उसके कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेगनेंट. तो एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ऐसी सिचुएशन, कहाँ जाती मैं. तो ऊपर में एक लेडी रहती हैं जिनका पार्लर खुद का है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ, बहुत हाइजेनिक वे में मैं तुम्हारा कर दूंगी, डोंट वरी, सब सही से हो जाएगा. तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ. एक तो मुझे आईब्रोज कराते टाइम बहुत रोना आता, बहुत पेन होता है, तो उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए कि मैं जाऊँ बैठूँ और फोरहेड, अपर लिप्स, आईब्रोज सब कराऊँ. तो देखती हूँ, अगर मैं अच्छा फील करती हूँ तो डेफिनेटली मैं उनके पास जाऊँगी और थोड़ा सा खुद को भी पंपर करूँगी, थोड़ा अच्छी दिखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा. तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. ये मैंने लगा लिया फेस पैक, इससे क्या होगा कि मेरी स्किन थोड़ी अच्छी दिखेगी, थोड़ी हाइड्रेटेड दिखेगी और इन दिनों जो पिंपल्स इधर उधर उधर उगते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि स्किन इन दिनों बहुत ऑयली हो गई है. तो थोड़ा पैम्पर करना बनता है खुद को. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ इन दिनों देखे हैं गाइज, इसमें बहुत सारी लेडीज़ हैं ना, वो प्रेगनेंट, मतलब बच्चा डिलीवरी होते तक, हॉस्पिटल जाते तक इतना मेंटेन में रहती है ना, मतलब कि जैसे कि एवरीथिंग इज़ ओके, उनको कहीं रैंप वॉक पे जाना है. नहीं सीरियसली, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमेशा खुद को मेंटेन रखना, हमेशा अच्छे दिखना. कैसे वो लोग कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम. तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ. तो मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया और मुझे बहुत चिकना चिकना अच्छा फील हो रहा है. और यहाँ बनाई है मेरे पति देव ने सब्ज़ी, रोटी और ये है सैलड. तो मैं यही खाने जा रही हूँ. उसके बाद बाहर सब्ज़ी वाला सब्ज़ी लेके आ चुका है, तो देखते हैं. वो 3-4 घंटे तो यहीं बैठेगा सोसाइटी में, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए. और आज शाम का नाश्ता मैं सोच रही हूँ खुद बनाने, क्योंकि कल मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी, जो भी चाट मैं खा के तर गई. तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी और बनाया तो खुद आप लोगों से शेयर करूँगी. फ़िलहाल मैं चखती हूँ ये खाना कि ये खाना कैसा बना है. ये परवल की जो सब्ज़ी है ना, वो भुजिया जैसी कटी है, एकदम पतली पतली, बट होप सो इसका टेस्ट अच्छा हो. ये शकरकंद ले लो और कुछ डिफरेंट सी सब्जी मुझे खानी है, वो कॉमन वाली मत लेना. आलू भी ले लो, मैं कचालू बनाऊंगी बड़े बड़े, नहीं थोड़े और ले लो, और खीरा ज़रूर ले लो. तो सॉफ्ट सॉफ्ट जो अच्छे हैं वो ले लो, अरे जो अच्छे हैं वो ले लो ना. और तरबूज खाना है कि नहीं मुझे, गॉड नोज. फ्रूट्स में क्या क्या है, मौसमी, ऑरेंज, मैंगो, पपाया. तो शाम के बज रहे हैं 5-5:30 के करीब और हम आ गए हैं वॉक पे. सुबह में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं जाऊंगी आईब्रोज बनवाने और थोड़ा सा खुद का मेकओवर करने, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ. वो जो बंदी मतलब करती है ना पार्लर वाली, वो आज फ्री नहीं थी, तो उसने मुझे कॉल बैक किया ही नहीं. तो अभी बारिश का सुहाना मौसम है और काफ़ी देर से मैं सो रही थी क्योंकि मुझे पैर दर्द फिर स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी मैं वॉक करने आई हूँ सो दैट मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, फाइन रहना है. मौसम बड़ा सुहाना है, ग्रीनरी है, बारिश हर जगह फैली हुई है और
बूंदाबूंदी मुझ पर नहीं हो रही है क्योंकि बारिश आके जा चुकी है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बैंगलोर में तो मोस्टली ऐसा ही मौसम होता है, बट आई एम एंजॉइंग इट। मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों वॉक पे आए हैं और ये ऐसे ऐसे पानी जैसे पूरा पैर में लग रहा है और मैं बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आई हूँ, एक टी शर्ट और ये ऐसे ढकने के लिए दुपट्टा और नीचे एकदम लूज सा प्लाजो ताकि मुझे पेट पे टाइट ना लगे। तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सोने सर का मजा लेते हुए मैं, क्योंकि यहाँ एक भी इंसान नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने शुद्ध हवा के लिए खोल दिया अपना मास्क, कोई इंसान है नहीं और बड़ी अच्छी सी हवा आ रही है, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो जैसे ही हम सोसाइटी से निकलते हैं, हमारा ये छोटा सा एक मंदिर है यहाँ जो कि आप देख सकते हैं कम पालों में, तो छोटा सा मंदिर है गणपति जी का, वहाँ हम डेली शाम को घूमते घूमते आते हैं, प्रार्थना करके वापस चले जाते हैं। यहाँ काफ़ी सारे कुत्ते हैं जो बौराए हुए हैं, तो हमें डर लग रहा है, हम डराइल पानी तो हमारा भोग का काटस मौत और काट कटी है तो हम भाग के चौड़ जाए है न मंदिरवा में ढूक जाए। ओके तो मैं मंदिर दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत बौराए हुए हैं कुत्ते। अच्छा तो ये डॉग्स यहाँ इसलिए आए हुए थे ताकि इन्हें खाना मिल सके। ये लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं इसी मंदिर के पास आके और ये डॉग्स को खाना खिला रहे हैं। इस लॉकडाउन में ये बेचारे भी बहुत भूखे होंगे तो इन्हें खाना मिल रहा है। अक्का गॉड ब्लेस यू। भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भी आपके जैसा आज्ञाकारी अच्छा बालक दें, जैसे कि शिव जी और पार्वती जी को उनका बेबी, उनके जो बेबी गणेशा थे ना वो बहुत आज्ञाकारी थे और अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते थे। तो मैं चाहती हूँ मेरा बेबी भी उतना ही आज्ञाकारी हो, उतना ही प्यारा हो और उतना ही संस्कारी हो और उसका दुनिया में नाम हो, यश हो, वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। तो डेली हम आते हैं यहाँ प्रे करने और प्रे करके तुरंत चले जाते हैं थोड़ी देर बैठ के। ये सोसाइटी के हमारे जस्ट बगल में ये छोटू सा मंदिर है। तो यहाँ के हमने देखा कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, कुछ लोग ना बेजुबान को मार के भगा नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें फीड करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान और सबको, सबके अंदर इंसानियत ना मरे, क्योंकि जिस दिन इंसानियत मर गई ये तो दुनिया चलेगा ही नहीं। और गॉड ब्लेस दीज काइंड ऑफ अ पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, जो हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरे का दुख जिनसे देखा नहीं जाता है। थैंक यू सो मच भगवान। ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे करती है? ए गुड्डू ऐसे करती है, देखो इधर कैसे करती है, कैमरा में देख के करो तो गुड्डू। ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसे ही से किया, नहीं किया ऐसे से किया। अच्छा ऐसे करो, अच्छा गुड्डू नॉर्मल रहने दो, ऐसे ही कर लो, तुम्हारा योगा किसी गलती है, फिर से करो।